आज जो अच्छी बात हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी यानी कि वक्त की पाबंदी की अहमियत के बारे में बताएंगे। तो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। इस हदीस का मफहूम यह है कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो, यानी कि बुढ़ापे से पहले जवानी को, बीमारी से पहले सेहत को, मोहताजी से पहले अमीरी को, मसरूफियत से पहले फरागत को, और मौत से पहले जिंदगी को। परवरदगार आलम की अता करदा जिंदगी में लम्हे, घड़ियां, दिन, महीने, साल और सदियां वक्त के ताबे हैं, मगर बदकिस्मती से हम वक्त की कदर नहीं करते और वक्त जाया करते रहते हैं। वक्त जाया करते हैं और दुख की बात यह है कि हमें अपने इस अमल पर अफसोस बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी हमें फील नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों का अगर मुताला किया जाए तो उनकी तरक्की की बुनियादी वजह पंक्चुअलिटी है, यानी वक्त की पाबंदी करना है। हम बात करें जर्मनी की, जापान की, कैनेडा की, स्पेन, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड जैसे ममालिक में एक मिनट की ताखीर को बुरा समझा जाता है और बुरा माना जाता है। दूसरी तरफ अगर जनूबी कोरिया की बात करें तो अगर आपको कोई वक्त दिया गया और आप उस वक्त पर नहीं पहुंचे, यानी मुकर्रर वक्त पर आप नहीं पहुंच सके, तो वहाँ पर मिसबिहेव, बदतमीज़ी तसव्वुर किया जाता है कि ये शख्स जो है ये बदतमीज़ है। रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज़ हो चुका है, इसे गनीमत जानिए, जितना जल्दी हो सके पाबंदिए वक्त की आदत अपनाएं, वरना याद रखिए वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ता है। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत शेरबानो आपने बात कर दी है। ये जरूरी थी, सख्त थी लेकिन थोड़ी जरूरी थी, वक्त की कदर करें और वक्त की कदर करना बहुत जरूरी है।